सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की 5 कॉमन बातें क्या हैं? कैसे सलमान के लिए बाबा सिद्दीकी का जाना बड़ा झटका है? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान से जुड़ी यही डिटेल। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती बहुत पुरानी थी और ये परवान चढ़ी इफ्तार पार्टियों की बदौलत। जब सलमान का कोई अच्छा दोस्त नहीं था तब संजय दत्त ने इनकी मुलाकात कराई। धीरे धीरे सलमान और बाबा सिद्दीकी एक दूसरे को जानने लगे और फिर दोस्ती के दौर बॉलीवुड में खूब चर्चा बना। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी थी। सलमान को 2021 में अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए रेंट पर जगह चाहिए थी तो उन्होंने बाबा सिद्दीकी को ही चुना। बाबा सिद्दीकी के जिस घर को सलमान ने किराए पर लिया वो गैलेक्सी अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा दूर नहीं था और वैसे भी बांद्रा के इलाके में बाबा सिद्दीकी बहुत पॉपुलर थे। हालांकि 11 महीने के बाद सलमान ने उस घर को खाली कर दिया था। सलमान खान जब भी मुसीबत में आए बाबा सिद्दीकी उनके लिए सबसे आगे खड़े रहे। फिर चाहे सिक्योरिटी की बात हो या समस्या को दूर करना हो, बाबा सिद्दीकी को सलमान खान सिर्फ इन्फॉर्म करते थे, उसके बाद अगली अपडेट बाबा सिद्दीकी की तरफ से दी जाती थी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के रहते हुए सलमान खान फ्री घूमते थे। कई बिजनेस आइडियाज भी सलमान ने बाबा सिद्दीकी को शेयर किए। माना यही जाता है कि सलमान जिन लोगों की बात नहीं टालते थे उनमें बाबा सिद्दीकी का नाम भी शामिल है। शाहरुख खान और सलमान खान का झगड़ा दूर कराने वाले बाबा सिद्दीकी ही थे। 5 साल तक चली फाइट को बाबा सिद्दीकी ने खत्म कराया था। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा पैचअप था। इसे सॉल्व कराने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे मगर बाबा सिद्दीकी ने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा आज भी होती है। बताया जाता है कि 2023 में हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख दोनों को बुलाया था। तब सलमान को अंदाजा नहीं था कि वहां इस तरह का सीन होने वाला है। शाहरुख तो वैसे भी दुश्मनी खत्म करना चाहते थे, इसलिए बाबा सिद्दीकी ने दोनों को गले लगने को कहा तो सालों पुरानी चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई। कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी और सलमान एक दूसरे से एक कॉल की दूरी पर रहते थे। सलमान के लिए वो उनकी फैमिली के मेंबर थे, इसलिए किसी भी बात को मना नहीं करते थे। सलमान खान से मिलने के लिए मुंबई में जिसे बड़ा जरिया माना जाता था वो बाबा सिद्दीकी ही थे। कितना भी बिजी शेड्यूल हो अगर सलमान से मिलाने का वादा बाबा सिद्दीकी ने कर दिया है तो उसे पूरा करके दिखाते थे। हालांकि इतना भी आसान नहीं था क्योंकि सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह का थ्रेट रहा और जिस तरह सलमान खुद को पब्लिकली कम ही एक्सपोज करते हैं उसमें बहुत सोच विचार करना पड़ता था। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान के लिए कितना बड़ा लॉस है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।